वो हेलोवीन की रात थी। उस रात मेरे मम्मी पापा मेरे मामा के घर चले गए थे और मेरा बड़ा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर चला गया था। सो उसे हेलोवीन टाइम में छुट्टियां नहीं मिली थी। सो उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल भी अकेला था। रात के 10 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिक एंड ट्रीट खेलकर और हेलोवीन पार्टी करके अपने घर आया था। सच कहूँ तो मुझे उस रात बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि हेलोवीन पार्टी में ही मैंने बहुत खाना खा लिया था, इसलिए किचन में जो भी था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके कुछ देर तक मैं अपने मोबाइल पे टाइम पास करने लगा और उसके बाद मैं टीवी देखने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये सुनकर मुझे लगा कि कोई ट्रिक और ट्रीट के लिए आया होगा, इसलिए मैंने लिविंग रूम में जाकर अपने घर का दरवाज़ा खोला और उसके बाद जब मैंने अपने सामने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं डर से कांपने लग गया, क्योंकि मेरे सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, उसकी आंखें एकदम हरी हो गई थी और उसने अपने लंबे बालों की एक मजबूत चोटी बना रखी थी, लेकिन उस चोटी में बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया और फिर मैंने तुरंत उस औरत के मुंह पर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अभी मैं राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरे डर का पारा काफ़ी हाई हो चुका था, क्योंकि मेरे घर की खिड़की तो बंद थी, लेकिन फिर भी उस खिड़की से बाहर से वही औरत मुझे खूनी नज़रों से देख रही थी और इस बार उस औरत की आंखें हरी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी और उनसे खून भी निकल रहा था। ये सब कपा देने वाला था। अभी वो औरत मुझे कुछ नुकसान पहुंचाती, लेकिन तभी जल्दी से मैं अपने बेडरूम में चला गया और मैंने वहां से तुरंत अपना फ़ोन उठाया और फिर जल्दी से 100 नंबर डायल करके तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जब तक पुलिस नहीं आती तब तक मैंने अपने बेडरूम में ही रहने का फ़ैसला लिया और मैं वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर बाद मुझे पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ गई। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और मैं समझ गया कि पुलिस आ चुकी है। उसके बाद मैंने तुरंत अपने घर का दरवाज़ा खोला और अभी कुछ देर पहले मेरे साथ जो कुछ भी हॉरर एक्सपीरियंस हो चुका था वो सब कुछ डिटेल में पुलिस को बताया। ये सुनकर पुलिस ने मेरे घर के बाहर और उस इलाके में सब जगह चेक किया, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अजीबोगरीब हो। ये देखकर पुलिस ने मुझसे कहा, लगता है बच्चे तुम्हें ज़रूर कुछ वहम हुआ होगा। इस पर मैंने कहा, नहीं सर, मैंने देखा था वो औरत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। तो पुलिस ने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार दिखे तो प्लीज़ बिना सबूत के पुलिस को परेशान मत करना, इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पुलिस वहाँ से चले गए। अब इस बात को बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस हेलोवीन की रात के बाद वो डरावनी औरत मुझे फिर कभी नहीं दिखी और उस हॉरर एक्सपीरियंस के बाद मेरे साथ फिर ऐसा कभी भी नहीं हुआ।